हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। उधर चरखी दादरी में ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ है और इस खबर के उजागर होने के बाद से ही महकमे में हड़कंप है। दूसरी तरफ हम चरखी दादरी की बात करें, जहां ओवरलोडिंग के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली करने वाले आरटीओ विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी और क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से लाखों रुपए की नकदी बरामद की है। आरोप यह भी लग रहा है कि आरटीओ कार्यालय के मिली भगत से ओवरलोडिंग वाहनों से चालान काटे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ओवरलोडिंग की आड़ में वसूली का खुलासा हुआ है चरखी दादरी में, जहां आरटीओ के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी और क्लर्क को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी और क्लर्क। लाखों की नकदी बरामद हुई है इनके पास से। ओवरलोडेड वाहनों से ये अवैध वसूली का काम करते थे, खेल खेलते थे। आरोप यह भी लग रहा है कि आरटीओ कार्यालय के मिले भगत से ओवरलोडिंग वाहनों से चालान काटे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चरखी दादरी में ओवरलोडिंग के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली करने वाले आरटीओ विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी और क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से लाखों रुपयों की नकदी बरामद की है। आरोप यह भी कि आरटीओ कार्यालय के मिले भगत से ओवरलोडिंग वाहनों से चालान काटे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये दोनों आरोपी। आगे की कार्रवाई पुलिसिया तौर पर जारी है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। चरखी दादरी से महासिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। महासिंह, इस पूरी खबर को तफसील से बताएं हमें। देखिए, यहाँ पर दादरी क्षेत्र में यहाँ पर जो है और लोग डंपर जो है वो चलते हैं और वहाँ पर काफी शिकायतें लोगों द्वारा की गई थी। उस पर सीएम फ्लाइंग ने रैड के दौरान एक्सीडेंट आरटीओ और कलर्क और दो दलालों को पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करके और जांच शुरू कर दी है। इसमें पुलिस इस पहलू से देख रही है कि इसके पीछे जो बड़ेले उनके जो अधिकारी हैं वो तो कौन कौन इसमें तफ्तीश में शामिल हो सकते हैं, किन किन के नाम आ सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।